पार्टी के ऑब्जर्वर हैदराबाद से आए थे, जब मुलाकात हुई वो कल से क्या पार्टी का जायजा लेने आए थे, आपकी क्या बात है उनसे? AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मालेगांव के लिए नामजद ऑब्जर्वर, वहाँ नामपल्ली एरिए के MLA जाफ़र हुसैन मेराज साहब मालेगांव के ऑब्जर्वर मुकर्रर किए गए हैं। आने वाले मौजूदा कॉरपोरेशन इलेक्शन के पस मंज़र में उनकी मालेगांव आमद हुई थी, और अभी यहाँ आने के बाद जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि इलेक्शन बजाय 2022 के 2023 में होना मुतवक्के है, तो इस सिलसिले में जो कुछ जानकारी उन्हें लेनी थी उस जानकारी को उन्होंने अपने तौर पर मुख्तसरन हासिल किया है। उनका ये कहना है कि जब इलेक्शन आगे बढ़ गया है तो मेरा सिर्फ आना लोगों में उम्मीदें जगाने के लिए और पार्टी की वर्करों में पार्टी में जान आ जाए उसके लिए मेरा मालेगांव का दौरा हुआ था, और इस सिलसिले में कॉरपोरेशन इलेक्शन को ले करके किसी किस्म की कोई सरगर्मी या इलेक्शन को ले करके किसी तरह का कोई फैसला, इस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगु नहीं हुई है। उनका ये कहना है कि जब इलेक्शन आएगा उस मौके पर हालात के पेश नज़र क्या फ़ैसला लेना है, उस वक्त हम सारी रिपोर्ट हासिल करेंगे, और हमारी पार्टी MIM के कौमी सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूबरू रखेंगे, और उस वक्त वो जो फैसला करेंगे उस फैसले पर अमल दरामद होगा। और इस मामले के अंदर मालेगांव में जिन लोगों को मौका दिया जाना है वो सब हालात पर मुनहसर है। आज इस सिलसिले में कोई फैसला कोई गुफ्तगू नहीं।